अगर 50,000 भी हो और दिल्ली के अंदर घुस जाओ और घेर ले प्रधानमंत्री के निवास को, उनके पास क्या रास्ता बचेगा? देश का कोई कानून नहीं कहता जनता को गोली मार दी जाए, देश का कोई कानून नहीं कहता जनता की हत्या कर दी जाए। आखिरकार उनको हमारी बात माननी पड़ेगी, एक तरीका है अपनी बात को मनवाने का। मेरे को लगता है कि हम 2024 तक भी बैठे रहें तो जरूर बीजेपी का सत्यानाश हो जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरी सरकार आ जाएगी, क्या वो हमारी बात मानेगी? क्या 2014 से पहला जो सरकार थी उसने मान ली थी? एक तो इनसे राज छीन लो, राज वोट से बनता है, वोट आपकी है, किसी की फैक्ट्री नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की फैक्ट्री नहीं है, किसी कंपनी की फैक्ट्री नहीं है। हमें आज एक निर्णय लेना चाहिए कि हम पूरे देश के किसान इकट्ठे होके एक ही दिन कोई ऐसा प्रोग्राम बना लें जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। 9 महीने हो गए हैं इस आंदोलन को चलते, दिल्ली की सड़कों पर बैठे, आंदोलन तो उसके पहले भी चल रहा था, उसके पहले भी हरियाणा में कई मुकदमे दर्ज हो चुके थे, लाठी चार्ज हो चुका था, पंजाब में 2 महीने से उसके पहले हमारे भाई सड़कों पर बैठे हुए थे, रेलवे लाइनों पर बैठे हुए थे। इस पीरियड के अंदर 650 किसान अभी तक अपनी कुर्बानियां दे चुके हैं, जाने गवा चुके हैं। हरियाणा के अंदर 37,650 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 136 पर्चे अभी तक दर्ज हो चुके हैं, हजारों किसानों की लाठियां झेलनी पड़ी हैं, हमारी माताओं बहनों को लाठियां झेलनी पड़ी हैं, कईयों के सिर फूटे हैं, कईयों की हड्डियां टूटी हैं। इस सब के बावजूद आज तक सरकार साइलेंट है, पिछले 7 महीने से सरकार ने कोई बात नहीं की। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, केवल किसान के लिए यह कानून नहीं है, केवल किसान को नुकसान नहीं होगा, सस्ता खरीदेंगे, ब्लैक करेंगे, महंगा बेचेंगे, और जो महंगा बेचेंगे वो सभी खाएंगे, मजदूर हो, शहर वाले हो, दुकान वाले हो, जो भी हो वो सब महंगा लेके खाएंगे। जैसे 25 रुपए किलो में सेब खरीदा और 250 रुपए किलो में बेचा, ये होगा आपके साथ। लेकिन सवाल इस चीज का आ जाता है कि 9 महीने सड़क पे बैठने के बाद 7 महीने से किसी ने बुलाया नहीं, आगे हम क्या उम्मीद करते हैं कि कोई 8वें महीने में बुलाएगा? आगे हम क्या उम्मीद करते हैं कि 10वें महीने में बुलाएगा? बुलाएगा तो क्या हमारी बात मानी जाएगी? गंभीर विषय है, आज राष्ट्रीय कन्वेंशन है, चिंतन करिए इस बात के ऊपर, चिंतन करिए इस बात के ऊपर। आज सारे देश के संगठन बैठे हैं, हमारे पास दो रास्ते हैं अपनी बात मनवाने के, दो रास्ते हैं और दोनों अपनाने पड़ेंगे। हम शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं, पूरे देश के अंदर जागृति आई है, पूरे देश के अंदर बीजेपी का ग्राफ डाउन गया है, यह सच है, हम बीजेपी को हरा देंगे, यह भी सच है। दूसरी सरकार आ जाएगी, क्या वो हमारी बात मानेगी? क्या 2014 से पहला जो सरकार थी उसने मान ली थी? हमारे पास दो रास्ते हैं, कभी अपना लेना, उनके बिना माननी नहीं जाएगी, चाहे 2 साल बैठ लें, जो फैसला सब मिलके करेंगे वही हम मंजूर कर रहे हैं, वही करेंगे, आगे भी करेंगे, मोर्चे के साथ में रहेंगे, लेकिन विचारधारा अपनी अपनी है, विचार जरूर रखना चाहिए, विचार रखेंगे तभी को मंथन होगा, तभी उसमें से कुछ निकलेगा। देखिए, हम देश के इतने लोग हैं, इतने किसान हैं, अगर हम आज हम चाहें कि 10 लाख आदमी दिल्ली में आना चाहिए तो हमारे कैसे 10 लाख आदमी दिल्ली में आ जाएगा? आज 10 लाख लोगों को बुलाएं तो 10 लाख दिल्ली में आ जाएगा, और अगर हम 10 लाख लोग इकट्ठा होके, 5 लाख लोग इकट्ठा होके, अगर हम 50,000 भी हो और दिल्ली के अंदर घुस जाओ और घेर ले प्रधानमंत्री के
निवास को, उनके पास क्या रास्ता बचेगा। देश का कोई कानून नहीं कहता जनता को गोली मार दी जाए, देश का कोई कानून नहीं कहता जनता की हत्या कर दी जाए। आखिरकार उनको हमारी बात माननी पड़ेगी। एक तरीका है अपनी बात को मनवाने का। मेरे को लगता है कि हम 2024 तक भी बैठे रहें तो जरूर बीजेपी का सत्यानाश हो जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। 66% उसका जहां पॉपुलरिटी थी, आज कम होकर 24% रह गई है, और यह भी उसकी बचेगी नहीं। जहां जहां चुनाव होगा जरूर हराएंगे बीजेपी को, लेकिन बीजेपी को हराने के बाद हमारी बात मानी जाएगी, यह मेरे को जचती नहीं है। एक चीज कि हम सारे देश के किसान इकट्ठे हों और एक ही बार में घेर लें, जो होगा देखी जाएगी। एक बात, दूसरी बात, हम मिशन उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, मिशन उत्तराखंड चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बता रहा है कि 8.5 करोड़ वोट किसानों की है, जिनके नाम दर्ज हैं, प्रधानमंत्री जो 2000 रुपए देते हैं उसमें, उनकी वोट गिने तो 8.5 करोड़ वोट है, और 3.5 करोड़ वोट में उत्तर प्रदेश की सरकार आज के टाइम में बनी हुई है। जिस सरकार, जो सरकार बनी है उसकी 3.5 करोड़ वोट डली है, 3.5 करोड़ वोट में सरकार बनी है। अगर ये किसान अपने बीच से नुमाइंदा खड़ा करके और अपने नुमाइंदों को बचा बना लें तो 2 बार सरकार बनाने की कैपेसिटी रखते हैं ये लोग। पंजाब के अंदर 80 से 90 लाख वोट किसानों की है और 59 लाख वोट के ऊपर सरकार बनी है, जो मौजूदा सरकार उसको 59 लाख वोट पड़ी थी, 59 लाख वोट पे सरकार बनी है, बनी हुई है। अगर ये किसान अपनी वोट अपने पास डाल लें, हम ना जाए किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास, ना घुसने दें किसी भी आदमी को, हमारे दोषी कौन है? हमारे दोषी हैं हमारे नीतिकार, जिन्होंने कानून बनाए, जिन्होंने देश की नीतियां बनाई। उन नीतियों की वजह से जहां खेती की आमदन 1950 में 100 रुपए में 60 रुपए थी, देश की जीडीपी में 60% हिस्सा था खेती का, आज वो कम होकर 10% रह गया है और आगे वो 6% बचेगा। हमारे दोषी हैं हमारे नीतिकार। जब तक कलम आपके हाथ में नहीं होगी, नीतियां बनाने वाले आपके बीच से नहीं जाएंगे, तब तक समस्या का हल हो ही नहीं सकता। अगर 80 लाख वोट के 80 से 90 लाख वोट के हम मालिक हो और 69 लाख वोट के से सरकार बनती हो तो हम अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते? बस ये 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो इनसे राज छीन लो, राज वोट से बनता है, वोट आपकी है, किसी की फैक्ट्री नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की फैक्ट्री नहीं है, किसी कंपनी की फैक्ट्री नहीं है, वोट किसानों की है, वोट देश के मजदूरों की है। एक बात, दूसरा हमें आज एक निर्णय लेना चाहिए कि हम पूरे देश के किसान इकट्ठे होके एक ही दिन कोई ऐसा प्रोग्राम बना लें जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम कोई हमला ना करें, हम कोई वो ना करें, खाली हाथ जाएं, बिल्कुल चाहे कपड़े निकाल के जाएं, लेकिन हम दिल्ली को घेरने का प्रोग्राम बना लें। बस इतने से विचार देने थे, और कोई गलती होगी तो क्षमा भी चाहूंगा उसके लिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।